मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के बोहरडा क्षेत्र में स्थित मोहना संगम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से जिले को विकसित करने का प्रस्ताव मांगा, जिसमें उन्होंने पंचायतों में शेड, चबूतरा निर्माण, रोड निर्माण के अलावा ग्राम बोहरडा, मोहना संगम, संगमेश्वर महादेव मंदिर को करीब 8 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भेजा। यहाँ संगमेश्वर महादेव मंदिर है। इसे लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रविवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह ताप्ती नदी का राजघाट है, उसी तरह मोहन नदी के पास मोहन संगम को विकसित किया जाएगा। इसे लेकर प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने मांगा था और 8 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति इसी महीने मिलने की उम्मीद है। यहां घाट निर्माण, शेड आदि का निर्माण होगा, पहुंच मार्ग भी बनाया जाएगा, तो वहीं बच्चों के लिए बगीचा बनाएंगे और इसी के साथ बोट भी चलेगी। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। अंतरिम बजट पेश हुआ और अंतरिम बजट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विशेष रूप से 4 वर्गों को बजट में ध्यान रखा गया। युवा, मातृशक्ति और उसके साथ में किसान और देश की सुरक्षा, इस तरह से बजट में इन वर्गों का ध्यान रखा गया है। और जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,